एवरीवन, दिस इज शाहीन एंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर लेक्चर ऑफ एमसीओ 022। ठीक है, ये लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो सब्जेक्ट है दैट इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड मैनेजरियल एप्लीकेशन। ब्लॉक 1 पीडीएफ 101 से लेके 75 पेजेस हैं इसके अंदर। स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मैम इज़ दिस इनफ कि हम लोग इग्नू के स्टडी मटेरियल से पढ़ें? तो इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट कि हम जो अगर इग्नू के स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे तो हमारे लिए प्रॉपर इनफ है। ठीक है, नाउ अगर मैं ब्लॉक ऑफ डेटा की बात करूँ, सिलेबस की भी एनालाइज कर लेते हैं। डेटा कलेक्शन, इसमें कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ोगे, प्रेजेंटेशन, सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएशन। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रीट कंटिन्यूस डिसीजन थ्योरी। देन सैम्पलिंग मेथड में सैम्पलिंग मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस, काई स्क्वायर टेस्ट। देन फोरकास्टिंग में बिजनेस फोरकास्टिंग, कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज। इन सब की रिवीजन करवाने वाली हूँ, आई रिपीट अगेन, इन सब की रिवीजन करवाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस ये पढ़ेंगे ये होता क्या है, क्या इसमें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एंड ऑल दैट। ब्लॉक नंबर 1 इज़ डेटा कलेक्शन एंड एनालाइज। डेटा कलेक्शन की बात करेंगे तो कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब है, सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब, से पहले डेटा होता क्या है? डेटा इज़ अ नंबर ऑफ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। जब आप इंफॉर्मेशन को, जब आप जो डेटा दे रखा होता है, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, रॉ इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, उसे एक सीरीज में कन्वर्ट करते हो, दैट इज़ नोन एज डेटा। डेटा की क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा कौन सा होता है? जो मैं खुद कलेक्ट करती हूँ, जैसे कि सर्वे, जैसे कि मैं घर घर जाके खुद डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, तो वो प्राइमरी डेटा है। और जो सेकेंडरी डेटा का मतलब होता है, जो किसी और ने कलेक्ट किया है और मैं उसको यूज़ में ले रही हूँ, जैसे न्यूज़पेपर से कोई डेटा उठाया है मैंने, मैगज़ीन से उठाया है, या कोई इन्फॉर्मेशन मैंने न्यूज़ में देखी है, ठीक है, या मैं सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट कर रखा था और फिर मैं उसको इस्तेमाल कर रही हूँ, तो दैट इज़ सेकेंडरी डेटा। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल, डेटा जो कि प्राइमरी होता है, प्राइमरी इन द हैंड्स ऑफ वन, एक इंसान के हाथ में वो प्राइमरी हो सकता है, दूसरे के इंसान के हाथ में वो सेकेंडरी हो सकता है। मान लो सपोज़ आपने डेटा को कलेक्ट किया तो वो आपके लिए प्राइमरी हो गया, और आपकी इन्फॉर्मेशन मैं यूज़ कर रही हूँ तो वो मेरे लिए क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया। नाउ मैथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा मैं कैसे कैसे कलेक्ट कर सकती हूँ? सबसे पहले है पर्सनल इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन। प्राइमरी डेटा जो होता है, प्राइमरी डेटा जो होता है वो ऑब्जर्वेशन मेथड से, ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा या क्वेश्चनियर मेथड के द्वारा कलेक्ट किया जा सकता है, इंटरव्यू के द्वारा, मेल के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा। पर्सनल इंटरव्यू जब आप रिस्पोंडेंट से कलेक्ट करते हो इन्फॉर्मेशन, वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। जैसे आप मेरे बारे में इंटरव्यू लोगे तो आप मेरे बारे में इंफॉर्मेशन पूछोगे, वो आपको ज़्यादा सटीक मिलेगी, करेक्ट मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यूअर खुद ही अपनी चीज़ों को बता रहा है। और यहाँ पे बाइजनेस के बारे में भी बात की जा सकती है। बाइज्ड क्यों? क्योंकि मैं अपने बारे में कोई चीज़ गलत क्यों बोलूँगी, सही बोलूँगी ना। मेल क्वेश्चन ईयर, इसके अंदर क्या होता है, जो क्वेश्चन ईयर के अंदर क्वेश्चंस बने हुए होते हैं, जैसे कि एक फॉर्मेट सेट ऑफ डेटा होता है, एक फॉर्म होता है, इसमें आपका नाम लिख दिया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, विच सोप डिड यू यूज़, विच फेवरेट कंटेस्टेंट या फेवरेट स्टार, इस तरीके के मान लो क्वेश्चन है। हाँ, तो मेल क्वेश्चन ईयर, जैसे कि हमारा सेट ऑफ डेटा दे रखा होता है और उसके अंदर आपसे जो भी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, तो वो इन्फॉर्मेशन अगर आप मतलब रिस्पॉन्ड करते हो थ्रू मेल, तो वो मेल क्वेश्चन ईयर कहलाता है। टेलीफोन, आप जब रेलिवेंट क्वेश्चंस टेलीफोन्स पे पूछते हो, ठीक है, वो तेज़ हो जाता है, वो इनएक्सपेंसिव है, ख़र्चा कम लगता है, ठीक है, कोई भी इनकम एज के बेसिस पे आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, तो दैट इज़ टेलीफोन। उसके बाद है क्वेश्चन ईयर कैसे। अ सर्वे डिज़ाइन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। अगर मैं सर्वे कर रही हूँ तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन ईयर मतलब ये सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो जो इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी वो इन्फॉर्मेशन किस तरीके से है, वो इन्फॉर्मेशन, एक सेकेंड,
हाँ, तो बेसिकली हम क्या बात कर रहे थे, सबसे पहले क्वेश्चनियर प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर उस क्वेश्चनियर को पहले से आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि अगर आप ऐसी कोई डिटेल तो नहीं पूछ रहे हो, पहले इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, मतलब लोगों से और लोगों से पूछना पड़ेगा, फिर अगर आपको कुछ गलत लगता है उसमें या कुछ सही नहीं लगता तो उनको एडिट भी करना होता है। तो डिज़ाइनिंग ऑफ क्वेश्चनियर में सबसे पहले कवर लेटर, हर एक जो क्वेश्चनियर होता है उसका एक कवर लेटर होता है। कवर लेटर का क्या मतलब है, द कवरिंग लेटर शुड हाईलाइट, इसमें आप क्या स्टडी करने वाले हो, कौन सी इन्फॉर्मेशन को आप कॉन्फिडेंशियल रख रहे हो, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, और ये सब चीज़ें आप देखोगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन शुड बी कैप्ड टू द मिनिमम, जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो कोशिश करोगे आप कम से कम हो, जो भी क्वेश्चन पूछोगे वो सिंपल होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, फालतू की बातें आप नहीं पूछोगे, इलीगल नहीं होना चाहिए, इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप नहीं पूछोगे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव की चीज़ें नहीं पूछोगे आप, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करोगे, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी, ठीक है। उसके बाद आंसर जो है उसमें यस या नो इस तरीके से पूछोगे तो जो क्वेश्चनियर, जो आपका आंसर देने वाला पर्सन है, रिस्पॉन्डेंट है, वो अच्छे से आंसर कर पाएगा। लॉजिकल अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, जो लॉजिकली अरेंज वाले क्वेश्चन होते हैं, द रिस्पॉन्डेंट डज नॉट फील द नीड टू रिफर बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। क्रॉस चेक करोगे, फुटनोट को चेक करोगे, ठीक है, फुटनोट को, जैसे कि फुटनोट फॉर एग्जांपल, इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, व्हेन अ क्वेश्चन रिलेटिंग टू इनकम टैक्स इज आस्क्ड, इट इज़ डिज़ायरेबल कि जो क्वेश्चन है तो उसमें ये पूछा जाए कि आप इनकम टैक्स असेसी हो, ठीक है, ये सब पूछा जाए, इनकम टैक्स असेसी हो पहले ये पूछा, फिर आप कौन से इनकम ग्रुप में आते हो वो पूछा, सब डिवाइड कर सकते हो आप क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये इग्नू का है, मान लो एक सैम्पल पेपर क्वेश्चन, क्वेश्चन ईयर दे रखा है, नाम पूछा, रोल नंबर पूछा, ऑर्गेनाइजेशन में किस में काम कर रहे हो, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में किस डेजिग्नेशन पे हो, जो ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की लेवल है वो कैसा है, क्या नेचर ऑफ़ एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करनी पड़ती है, स्केल ऑपरेशन क्या है, आपकी जो कंपनी का टर्नओवर क्या है, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, येस और नो में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिर कितने आवर्स एवरी वीक, कितने आवर्स आपको काम करना पड़ता है, इस टाइप की डिटेल भी आप पूछ सकते हो। तो ये एक क्वेश्चन ईयर हो गया जिसके बेसिस पे आपको क्या किया गया, आपने क्वेश्चन ईयर प्रिपेयर किया। नाउ प्री टेस्टिंग, प्री टेस्टिंग द क्वेश्चन ईयर का मतलब है आप जब क्वेश्चन ईयर बना देते हो, डिज़ाइन कर दिया है, अब आपको उसे चेक भी करना पड़ेगा पायलट सर्वे के थ्रू। पायलट सर्वे का मतलब जब एक्चुअल आप क्वेश्चन ईयर को आम लोगों से सर्कुलेट करने के बजाय एक शॉर्ट पीपल के लिए आप सर्वे करते हो, ठीक है, प्री टेस्टिंग करते हो कि क्या ये क्वेश्चन ईयर ठीक है कि नहीं है, जब कुछ लोगों से आप स्पेसिफिक पूछते हो और ये देखते हो कि अगर तो इन लोगों ने ठीक रिस्पॉन्ड किया या ठीक तरीके से जवाब मिल गया तो फिर ये सर्कुलेट करेंगे ऑल अराउंड, अदरवाइज हम क्या कर देंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे अगर कुछ भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो मैं चेंजेस कर दूँगी। चलो अब यहाँ पे क्या है, वंस द क्वेश्चन ईयर आपने डिज़ाइन कर दिया, अब उसे प्री टेस्ट करना ज़रूरी है, प्री टेस्ट के लिए पायलट सर्वे होगा, पायलट सर्वे मैंने आपको बता दिया, प्री टेस्टिंग के अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है जिसको आपको चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करना ही एडिटिंग लाता है क्वेश्चन ईयर के अंदर। नाउ जो एडिटिंग करोगे प्राइमरी डेटा का, वो कुछ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, जैसे आप जो इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हो दैट इज़ कम्प्लीटनेस, पूरी कम्प्लीटेड इन्फॉर्मेशन हो, कंसिस्टेंसी, लगातार आप एक ही चीज़ के बारे में पूछ रहे हो, जैसे आर यू मैरिड, नंबर ऑफ चिल्ड्रन यू हैव, पहले आपने एक क्वेश्चन पूछा उसके बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन पूछा। Obviously there is some inconsistency in the answer of these two questions. कभी कभी inconsistency भी बोली पूछी जा सकती है, जैसे कि पहले आपने बोल दिया are you married तो answer आया no, तो number of children पूछ लिया तो उन्होंने two answer दिया, तो ये contradict करती है ऐसी चीज़ें, तो consistency होनी चाहिए, yes आना चाहिए, अगर आपके two children हैं तो वो are you married वाला जो column है उसमें yes होना चाहिए। एक्यूरेसी ठीक होना चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए, होमोजेनिटी एक जैसा आंसर करना चाहिए, अगर आप मंथली के बेसिस पे काम कर रहे हो तो मंथली डेटा भरोगे आप हर तरीके से, हर जगह, ईयरली डेटा भर रहे हो तो ईयरली डेटा भरोगे हर एक कॉलम के अंदर। नाउ सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, जो सेकेंडरी डेटा है उसके सोर्सेज क्या हैं, दो सोर्सेज हैं, एक पब्लिश डेटा और एक अनपब्लिश डेटा। पब्लिश डेटा का क्या मतलब है कि जब आप किसी एक ऑथराइज्ड
नेशनल एजेंसीज वगैरह से डेटा कलेक्ट करते हो, आप कॉपी कर रहे हो, तो आप पब्लिश सोर्स से जब कलेक्ट करोगे, जैसे कि NSSO, CSO, ठीक है, ICAR, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और IMF. और अनपब्लिश सोर्सेज कौन से हो सकते हैं? ऑल स्टैटिस्टिकल डेटा, ज़रूरी नहीं है कि आप पब्लिश्ड सोर्सेज से उठाओ. कुछ हो सकते हैं इंटरनल रिकॉर्ड्स, पेरोल, एम्प्लॉय के पेरोल, अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल, कैश रिसिप्ट. इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट इट इज वेरी डिफ़िकल्ट. कभी कभी आप जो ये मुश्किल हो जाता है, इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैव एक्सेस टू अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन. नाउ अब क्या ध्यान रखना पड़ता है आपका सेकेंडरी डेटा के अंदर? सूटेबिलिटी. सूटेबिलिटी का मतलब वो डेटा आपकी जो जिस टाइप क्वेश्चन ईयर को आप ले रहे हो उसे सूटेबल है भी नहीं. नेक्स्ट इज़ रिलायबिलिटी. आप उस पर रिलाई कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो, ट्रस्टवर्दी है कि नहीं. और एडिकेसी मीन्स एक्यूरेट है कि नहीं. कितने डिफरेंट टाइम पीरियड का डेटा है? डेटा फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज में भी अवेलेबल, बट इट्स स्कोप में भी लिमिटेड. देयरफॉर दिस मे नॉट सर्व द प्रॉपर पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. द डेटा मे कवर, जो डेटा है वो केवल और केवल ओनली अ पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, और may pertain to a different time period only if the investor is fully satisfied सारे points के साथ, तब वो क्या करेगा, आपका secondary data consist करवाएगा. Now census and sample में फ़र्क क्या है? जब आप data एक एक person से collect करते हो then it is known as census, और जब आप कुछ certain number of people को select करके उनसे data select करते हो, उनसे डेटा कलेक्ट करते हो, तो वो सैंपल कहलाता है. सेकेंडरी डेटा इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द प्रॉब्लम अंडर स्टडी. क्या बोल रखा है? अ डिसीज़न मे बी टेकन टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा थ्रू ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन. दिस ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन मे बी ऑब्टेन आइदर बाय, अब ये जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, वो या तो सेंसस के द्वारा कलेक्ट की जाएगी या तो सैम्पलिंग के द्वारा. जब इन्वेस्टिगेटर हर एक पर्सन को, हर एक आइटम को कंसिडर करता है तो वो सेंसस कहलाता है. लेकिन जब वो पूरी पॉपुलेशन का कुछ एक हिस्सा को सेलेक्ट करके उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो वो सैम्पलिंग मेथड कहलाता है. नाउ द एडवांटेज ऑफ सेंसस मेथड इज़ दैट इन्फॉर्मेशन हर एक आइटम का होगा तो वहाँ गलती के चांसेस कम होंगे, ज़्यादा एक्यूरेट होगा. लेकिन एट द सेम टाइम पैसा और समय दोनों की खपत ज़्यादा होगी. लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में आप क्वालिटी कंट्रोल नहीं, बहुत ज़्यादा डेटा है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो आप उनसे सैंपल ही कलेक्ट करते हो, वह एक चीप हो जाता है. ठीक है, तो आप ये ध्यान रखोगे कि इट शुड बी नोटेड दैट आउट ऑफ सेंसेस एंड सैम्पलिंग मैथड, द सैम्पलिंग मैथड इज़ मच मोर वाइडली इन प्रैक्टिस. और वहाँ पर आप सैम्पलिंग मैथड को आप चैप्टर यूनिट नंबर 13 के अंदर डिटेल में डिस्कस करोगे. दैट इज़ अ समरी ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने डेटा के बारे में बात किया. नाउ द चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 2, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है, और उसके बाद आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी स्टूडेंट्स.